बिग बॉस के घर के अंदर दोस्तों आपको बता दें कि बाबू भैया और ऐश्वर्या जो है अब अकेले में बैठकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरे सीजन के अंदर ना ही ऐश्वर्या और ना ही बाबू भैया ने एक दूसरे के साथ में खुलकर इतनी बात की है। अब आपको बता दें ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते नजर आए, जहां पर दोनों अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए नजर आए। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ऐश्वर्या के साथ जब जैसे ही बाबू भैया ने कहा कि मैं अपनी फीलिंग शेयर करूंगा तो कुछ अलग ही ना बोल दे, लेकिन यहां पर बाबू भैया ऐश्वर्या से ये बात कहते हैं कि शुरुआत से ही हम दोनों ने कभी भी इतना कनेक्शन नहीं बनाया, अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है और हम सीजन के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक अच्छा बॉन्ड हो सकता था। ऐश्वर्या इस पर कहती है कि हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बाकी दोस्तों से फुर्सत ही नहीं मिली तुम्हें कि तुम बात भी कर दे, और एक के बाद एक धारणाएं बनाते हुए नजर आए। ऐश्वर्या की और बाबू भैया की शो के ऊपर लड़ाई नहीं हुई है, एक बार भी इनकी ऐसे तू-तू मैं-मैं या गैगमा गहमी नहीं हुई है। हालांकि सीजन की शुरुआत के दौरान एक दो बार इन दोनों में एक डिसएग्रीमेंट जरूर हुआ था काम को लेकर, लेकिन इसके बाद इनकी कोई भी किस प्रकार की भी लड़ाई नहीं हुई। आपका क्या कहना है दोस्तों इसके बारे में कमेंट करके बताएं, और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल खेलो खेलो को।